हेलो, क्या हाल चाल एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बज अपडेट। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा अबाउट द इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स जो पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में चल रही हैं एंड मे बी यू माइट हैव मिस्ड देम। सो हेयर वी आर विद द फर्स्ट एपिसोड। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो जो पहला बज है वो है ये ट्वीट। ये ट्वीट अपने केविन पीटरसन भाई ने किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक और रूल चाहिए T20 क्रिकेट में, और वो ये होगा कि अगर कोई प्लेयर सिक्स मारे और वो सिक्स 100 मीटर से ज़्यादा दूर जाए तो बैट्समैन को 12 रन मिलने चाहिए। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक, कम ऑन पीटरसन भैया, ये डिमांड कर ही रहे हैं तो क्यों ना ये भी रख ही लें कि अगर बैट्समैन बोल्ड होता है और वो भी मिडिल स्टंप पर, तो बैट्समैन नेक्स्ट मैच के लिए भी आउट हो जाए। अगर फील्डर 100 डाइविंग कैच लेता है तो बैटिंग टीम के स्कोर से 10 रन माइनस कर दिए जाएं। कम ऑन पीटरसन भैया, हम यहाँ गली क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं। एंड अपेरेंटली ये भी सुनने में आया है कि वेस्ट इंडीज आर सपोर्टिंग KP ऑन दिस टू। ही मजाक कर रहा हूँ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बस जो आया है आई एम श्योर इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुन लिया होगा। तो फ्रेंड्स रीयूनियन को एक रिलीज डेट मिल चुका है और लोग पूरी तरह पागल हो चुके हैं इस न्यूज़ को लेकर। देखो मैं उस ग्रुप में आता हूँ जिसने नहीं देखी है फ्रेंड्स अभी तक। यस वी एग्जिस्ट। तो मैं नहीं रिएक्ट कर सकता इसके बारे में। एंड अपेरेंटली काफ़ी लंबी चौड़ी सेलिब्रिटी लिस्ट है जो गेस्ट अपियरेंस कर रही है इस शो में, और ये शो एयर हो रहा है HBO Max पर। कम ऑन, अगर तुम भी फ्रेंड्स के रियल फैन हो तो कहीं ना कहीं से देख ही लोगे। मूविंग ऑन, अब जो नेक्स्ट बज है ना वो एक ऑटो ड्राइवर के बारे में है, और मुझे ये बज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और दूसरे वो जिन्हें नहीं मिलती। तो जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उनके पास जितना होता है उसी में वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बना लेते हैं, और ये ऑटो वाले भैया इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्हें बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था पर कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इनको अपना पेट पालने के लिए ऑटो चलाना पड़ा और उसी में इनको अपॉर्चुनिटी दिखी। इन्होंने 4 साल तक अपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व किया और अपने ऑटो में जो फैसिलिटीज़ थी उनको अपडेट करते रहे। इन्होंने किसी को किसी दिन ऑटो में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते देखा तो नेक्स्ट डे ढेर सारे न्यूज़पेपर्स ले आए। किसी को देखा अपनी फ़ोन की बैटरी को लेकर परेशान होते तो ऑटो में ही एक चार्जिंग पॉइंट लगा दिया। ऐसा करते करते आज इनकी ऑटो में एक iPad, Netflix सब्सक्रिप्शन के साथ Alexa, एक फ़ैन, Wi-Fi और क्या कुछ नहीं है। कितनी बार लोग इनको बोलते हैं कि भैया एक एक्स्ट्रा राइड दे दो ताकि वो एक और एपिसोड देख सके Netflix पर। इसके अलावा ये टीचर से कभी पैसे नहीं लेते हैं, और कोई इनके साथ अगर 40 राइड्स कंप्लीट कर लेता है तो उन्हें ये कैशबैक के तौर पर 1000 रुपये भी देते हैं। ये स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी क्योंकि ही मेड द बेस्ट आउट ऑफ द कंडीशंस ही वॉज पुट इन, और वो प्राउडली कहते हैं कि इनकी जॉब दुनिया की बेस्ट जॉब है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मोदी जी ने कहा था इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, हुम ही वॉज रेफरिंग टू। मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन टिम पेन ने इंडिया से सीरीज हारने के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद जाकर ये बयान दिया है कि वो इसलिए हारे क्योंकि इंडियन प्लेयर्स माइंड गेम्स खेलते हैं। एंड वी आर लाइक बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे, बोल। कम ऑन टिम, सूजी है तब तो बड़ा दर्द होता होगा। मूविंग ऑन, आजकल क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में है, लोग बिटकॉइन और डोज कॉइन के पीछे भाग रहे हैं, पर यहाँ पर हम किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक क्रिप्टो करेंसी के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन के बारे में। इन्होंने इंडिया की कोविड रिलीफ फंड में $1.4 बिलियन डोनेट किए हैं। तो सबसे पहले तो इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और अगर तुम्हें भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है या इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें इथीरियम के बारे में तो ज़रूर पता होगा। इट इज़ नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म आफ्टर बिटकॉइन, और इथीरियम के ही को फाउंडर है विटालिक बुटेरिन भाई साहब। तो इन्होंने ये जो डोनेशन दिया है इंडिया को इस मुश्किल टाइम में, उसके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और मैंने तो इथीरियम में इन्वेस्ट किया है एंड आई विल सजेस्ट कि तुम भी करो। तो इसी फाइनेंशियल एडवाइस के साथ लेट्स रैप द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बज अपडेट। देखो मैं ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा रहेगा, कैसा परफॉर्म करेगा ये वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या सोचते हो बज़ अपडेट के बारे में, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए,
अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। नेक्स्ट एपिसोड होपफुली एक वीक के अंदर आ जाएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर योर मास्क एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।